अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड चिकन KFC स्टाइल में, बहुत सारी कोटिंग्स के साथ, बहुत ही मज़ेदार। तो इसके लिए मैंने ये 1 किलो चिकन लिया है। चिकन ये ड्रम स्टिक्स हैं, ये 10 हैं और वेट इसका 1 किलो है। 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कुछ ग्राम ज़्यादा है। और इसके अंदर मैंने इस तरह से, ये देखें, इस तरह से मैंने इसमें लंबाई में कट्स लगा लिए हैं सारे, इसमें सारे पीसेज में। अब आप चाहें तो इसके अंदर ब्रेस्ट पीसेस भी ले सकते हैं, आप चाहें तो थाई वाला पीस भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। बड़े टुकड़े हों उसमें कट्स लगा लें। तो ये मैंने लिया है 3 कप दूध, और दूध जो है ये रूम टेम्परेचर पे है। ये 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, या एक बड़ा नींबू का रस निकाल के रख लें। और ये 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है। अभी मैं आपको सिर्फ इसका मैरिनेशन दिखा रही हूँ, इसकी बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम दूध में ये लेमन जूस डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर और ये नमक। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अच्छा, ये जब आप चिकन धो लें तो इसको धोने के बाद, साफ़ करने के बाद, इसको आप 1 घंटे के लिए नमक के पानी में रख दीजिएगा। इससे क्या होता है कि जो इसके अंदर ब्लड वगैरह रह जाता है, या जो चिकन में स्मेल आती है, वो सारी स्मेल और ब्लड सब साफ़ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है ये चिकन। तो मैंने इसको 1 घंटे पहले नमक के पानी में रख दिया था, और फिर इसको खूब अच्छी तरह से धो के ड्रेन कर लें। ये मिक्स हो गया, इसमें अब मैं ये चिकन डाल रही हूँ। 1 किलो चिकन के लिए मैंने 3 कप लिया है। अगर आप ज़्यादा लें तो फिर आप उस हिसाब से इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मल्टीप्लाई कर लें। बस दूध इतना हो कि इसमें चिकन डूब जाए। अब मैं इसको रख रही हूँ 3 से 4 घंटे, 5 घंटे भी रख सकती हूँ मैं। अभी सुबह का वक्त हो रहा है और मैं इसको बनाऊँगी शाम में, तो 4-5 घंटे तो हो ही जाएंगे। और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रिज में कवर करके, और 4 से 5 घंटे के बाद फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। 4 से 5 घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए, और अब हम इसको तलना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने ये लिया है 1.5 कप मैदा, 1.5 कप मैदा, और इसमें मैंने 1/2 कप कॉर्नस्टार्च मिलाया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें। ये पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रूम टेम्परेचर पर सादा पानी है। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। इसमें आप पेपरिका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ओरिगैनो, ड्राइड ओरिगैनो, और 1 टेबलस्पून ड्राइड थाइम, या थाइम की जगह आप मिक्स्ड हर्ब्स मिलती हैं इटालियन हर्ब्स, वो भी डाल सकते हैं। और ये 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर है, इसमें अदरक का पाउडर भी डाला जाता है 1 टेबलस्पून, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था और यहाँ कहीं मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। आपके पास हो तो इसमें आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अब ये करना है कि ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप तेल गरम कर लें, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि बस हम इसको जिस तरह मैं आपको जो बताऊँगी इसके बाद आपको डायरेक्ट उसमें तेल में डालना है, तो तेल बहुत गर्म होना चाहिए। तो अब मैंने अपना ऑन करके रखा है चूल्हा, और अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। ये जो सारे मसाले हैं ये हम इसमें मिक्स कर देंगे मैदे में। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक भी ऐड किया है, नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब ये मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब इसमें इस मिक्सचर में से हम निकालेंगे, तो मैं एक बार में 3 पीसेस तलूंगी, तो मैं तीनों में कोट कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ ही डालूंगी मैं। ये इस तरह से आपको डालना है इसमें, और इसको रोल करना है, और कम से कम 2 मिनट तक रोल करना है, दबाना नहीं है, कसकस के दबाकर उसको आपको नहीं चिपकाना, बस इस तरह से आप रोल करते रहें 2 मिनट तक, 1.5 से 2 मिनट। अब देखिए 2 मिनट हो गए इसको, और अब हमको इसको इस तरह से इसको थोड़ा झटक लें, और ये जो पानी हमने लिया था इसमें हम डालेंगे, और 4 तक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4। 4 तक गिनने के बाद इसको हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी इसका आप ड्रेन कर लें, और फिर हम इसकी दूसरी कोटिंग करेंगे। इसको भी इसी तरह से कर लें, 1, 2, 3,
चार अब दोबारा हम इसको इसी तरह से 2 मिनट तक इसको कोट करेंगे। और अगर आपको इस पे तीसरी कोटिंग लगाना है तो फिर आप इसी तरह से इस पे तीसरी कोटिंग भी कर लीजिएगा। मैं इसमें सिर्फ 2 कोटिंग कर रही हूँ। अब देखिए तेल गरम हो गया और हमारा ये चिकन भी तैयार हो गया। ज़्यादा इसको ज़्यादा ना डालें, इसमें 2 से 3 पीसेस ही डालें। एक मिनट के बाद इसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम पे कर दें और इसको बिल्कुल भी नहीं छुएं, कुछ नहीं करें ना उसको, 4-5 मिनट तक बिल्कुल नहीं छूना है। अब मैंने इसकी फ्लेम मीडियम पे कर दी और इसको हम 5 मिनट के बाद पलट देंगे और इसको 12 से 15 मिनट तक तलना है मीडियम फ्लेम पे। अब देखिए ये हो गया, 15 मिनट हो गया इसको और ये देखें आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए गोल्डन कलर का हो गया जैसा हमको चाहिए था। बस तो इसको निकाल निकाल के रखते जाएं। अब इसी तरह मैं सारा चिकन तल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये सारे तल गए और अब मैं आपको इसका अंदर से दिखाती हूँ, ये इतने अच्छे तले हुए हैं, बहुत ही गर्म हो रहे हैं ये। ये देखें अंदर से ये पूरे अच्छी तरह से गल गए और बहुत ही जूसी और मॉइस्ट है, अंदर से सूखे नहीं हैं। और ये इसका जो क्रस्ट है ये मैंने डबल कोटिंग की थी, आप चाहें तो इसके ऊपर एक और कोटिंग कर लें, मुझे बहुत ज़्यादा इसका क्रस्ट नहीं चाहिए था। तो अभी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।